राम राम भाई सारे ने। गुड मॉर्निंग भाई सबको, आज है 18 नवंबर, प्रेरणा का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे प्रेरणा। सुबह के 5 बज रहे, वैसे कार से थोड़ा कपड़ा देने गया था, नहा धो के रेडी होके फ्रेश होके हम निकलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। आज 15 घंटे की ड्राइव है वैसे, तो इसलिए मैं जल्दी सुबह सुबह उठ के निकल रहा हूँ। 6 बजे निकलने का प्लान था, 5:51 को ही निकल रहा हूँ। 6 नीचे गाड़ी तक जाते जाते टाइम हो जाएगा। देखो गुड मॉर्निंग, इसको जल्दी उठना पड़ा है मेरी वजह से। चलो विल लीव। तो एग्जैक्ट 6:05 हो रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स, 15 घंटे की ड्राइव है। छत्तीसगढ़ घुसेंगे हम, वहाँ पे एक स्कूल के दोस्त है उससे मिलेंगे। पेट्रोल बिल्कुल नहीं, पेट्रोल डलवाना है भाई, तेलंगाना में पेट्रोल बहुत महंगा है यार, इसलिए सोच रहा हूँ मैं हाफ टैंक डलवा लूँ। चलो चलते हैं। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय। सनराइज देख लो भाई, क्या मस्त हो रहा है, दिख नहीं रहा क्या, कहाँ गया? अरे सन छुप गया यार, फॉग हो रखा है थोड़ा थोड़ा, पर मेरे को तो दिख रहा है, कैमरा में नहीं दिख रहा भाई। पिछले 10 मिनट से इन दोनों का कंपटीशन चल रहा है, जाने भी नहीं दे रहे साले। जल्दी चला भाई, पनवेल निकलना है, जल्दी चला। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब से आंध्र प्रदेश तेलंगाना में घुसा हूँ ना, तब से हर टोल पे मेरी चेकिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन आने वाला है, इसीलिए हर टोल पे चेकिंग कर रहे हैं। बाय द वे, मेरा नया ग्लासेस कैसा लग रहा है? कल मतलब मैं बैंगलोर में ही ले लिया था, ऑर्डर कर लिया था, भावना के घर पे मैंने डिलीवरी करवाया, क्योंकि वो थोड़ा लेट आने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली जल्दी आ गया था, तो मैं उसके घर से उठा लिया। वैसे पावर्ड ग्लासेस है, पावर्ड सन ग्लासेस है, बस ड्राइविंग में मज़ा आ रहा है पहन के भाई, एकदम धूप भी नहीं लग रही, बताया कैसा लग रहा है। इसका खर्चा नित्या ने करवाया, मैं दिखाता हूँ। हेलो भाई, ट्रिप तो सही जा रहा है एकदम। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है, टोल के पास फिर से रोका था, तो मैं सोचा कि रुक ही जाते हैं 5-10 मिनट के लिए, फ्रेश हो जाते हैं थोड़ा सा। ट्रैफिक वैफिक तो है नहीं, मस्त मज़ा आ रहा है, खाली हाईवे। हाँ बस थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग करके चलते हैं 5 मिनट में। राजस्थानी ढाबा, यहाँ पर रुका हूँ, खाट पर बैठ के खाएंगे, गाड़ी है खड़ी। दाल फ्राई ऑर्डर किया है, दाल फ्राई के साथ रोटी थोड़ी सी और थोड़े से चावल भी खा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे खाट पे बैठ के खाओगे भाई, अपना एकदम देसी स्टाइल। ये अपना देसी हुक्का भी पड़ा है यहाँ पे, पीछे खेत है, ये देखो पूरा खेत है, एकदम गांव बसा रखा है यहाँ पे तो भाई, ये देख के मज़ा आया। ये लो भाई, अपने यहाँ दाल आ गई, रोटी आ गई, सलाद आ गया, घी है भैया, घी चपेट ले भाई, अपना घी भी आ गया, अब खाएंगे रोटी। लंच तो हो गया भाई, हाँ सॉरी ब्रंच ही मान लो, ब्रेकफास्ट और ये। अब पानी की बोतल भी ले लिया, 165 रुपीस में पेट भर के खाना खा लिया मैंने, मज़ा आया एकदम, तिखी तिखी दाल, ओहो क्या स्वाद थे भाई, मज़ा आया, देसी खाना खाया आज तो। अरे भैया राजस्थान के थे ना, अभी चलते हैं नॉन स्टॉप, अब मैं सीधा शाम में रोकूँगा भाई। महाराष्ट्र एंटर कर चुके हैं, फ़र्क पड़ता है देख, अभी तेलंगाना हैदराबाद से महाराष्ट्र एंटर किया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बहुत सेक्सी रोड्स थे, यहाँ पे एकदम घटिया रोड, इतने हम्प्स आ रहे हैं ना, मैं स्पीड भी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम 60-70-80 पे ही जा पा रहा। तेलंगाना में तो भाई 100, 120, 140 तक भगा चुका था, पर यहाँ पे नहीं हो पा रहा यार। महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लीज़ वर्क ऑन द रोड्स, प्लीज़ प्लीज़। एक मेजर गलती हो गई है, मैं बिना मैप्स के चला रहा था, तो मेरे को जाना था रायपुर की ओर, पता नहीं राइट लेना था, स्ट्रेट जाना था, क्या करना था पता नहीं, मैं बस हाईवे फॉलो करते करते रहा। मैं सोचा चलो रुक जाते हैं 10 मिनट, अभी जस्ट मैंने फ़ोन देखा, चेक किया कि रायपुर कितना दूर है, मैं भोपाल हाईवे पे चढ़ गया।
अभी रायपुर यहाँ से 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एकदम ये हो रखा हो। ऐसे भोपाल भी जा सकता हूँ, भोपाल से दिल्ली पास ही है, तो मेरे को रायपुर भी जाना था क्योंकि दोस्त का सामान भी है गाड़ी में, और या चलो भी फायदा नहीं है ज़्यादा सोचने का, टाइम वेस्ट होगा। भोपाल भी कम से कम यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है, तो जाते जाते शाम हो जाएगी। लेट्स सी, भोपाल ही जाना पड़ेगा। अभी रायपुर के लिए निकलूँगा तो फिर रात के 12 बज जाएंगे, वहाँ से भी निकलने का फिर मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी भी सर्विस में देनी है, तो भोपाल में फिगर आउट करना पड़ेगा अभी। चलो भोपाल के लिए निकलते, फिलहाल मैं दोस्त को कॉल कर देता हूँ, गाली वाली देगी, खा लेंगे थोड़ा बहुत, कुछ नहीं कर सकते यार। यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो मुंबई है। ये भाई बहुत बड़ा सुंदर सा राउंड सर्कल बना रखा है। अपन को जाना है भोपाल, तो हम मुंबई में नहीं घुसेंगे, डिजास्टर हो गया। अभी मैंने दोस्त को कॉल भी कर लिया, 2-4 गाली भी सुनाई उसने, बोलती ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी हम यहाँ से लेंगे अमरावती की ओर, अमरावती में भी कोई रहता है यार पता नहीं। चलो अमरावती का एग्जिट ले लिया है, हम चलते हैं अभी भोपाल। भोपाल का एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 7:00 PM, होपफुली हम 7-8 PM तक पहुँच जाएँ। गुड डे टू यू सर। और ये हम मध्य प्रदेश एंटर करते हुए, बोर्ड भी आ गया है वेलकम इन मध्य प्रदेश, बधाई हो जयपुर भोपाल 290 किलोमीटर्स एंड वी क्रॉस द बॉर्डर। आज के दिन मैं तीसरे स्टेट में एंटर करते हुए, पहले मैं तेलंगाना से निकला, महाराष्ट्र में घुसा, महाराष्ट्र से जाना था मेरे को छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो नहीं पाया तो हम घुस गए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम सबका स्वागत है गाइस, चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी। ये देखो भाई, अभी जस्ट ये कार मेरे आगे गई थी, कुछ 3-4 मिनट का ही फर्क था, यहाँ पे एक्सीडेंट होके ठोकी पड़ी है, बहुत तेज़ी से आ रहा था वैसे बंदा, ये मेरे को मस्त ओवरटेक करके गया है। क्या ही मिलता है इतना तेज़ गाड़ी चला के, पिट गया ना भाई। वैसे तो कुछ सभी बंदे वहाँ पे बाहर खड़े हैं, कुछ हुआ तो है नहीं, बट तेज़ गाड़ी चलाने का नतीजा। रिलायंस पेट्रोल पंप पे मैंने ब्रेक लिया है, मुँह धोया थोड़ा सा, फ्रेश हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर नॉनस्टॉप चलाया भाई, नींद आ रही थी, मैं सोचा चलो फेस वॉश कर लेते हैं थोड़ा सा, लूँगा 5-10 मिनट ब्रेक लूँगा फिर चलेंगे, है अभी टाइम है। बहुत गर्मी है भाई मध्य प्रदेश में, बहुत गर्मी है, चलिए हवा भी भरवा लेते हैं, पीछे वाले टायर में हवा कम है। एक और एक्सीडेंट स्पॉटेड। ओ भाई शिट यार, वो अंकल मरे पड़े, फक। ओ भाई शिट भाई साहब, मैं पहली बार ऐसा एक्सीडेंट देख रहा हूँ यार, मेरा रूह कांप गया यार, रूह कांप गया सीरियसली, शिट। बाइक पे थे अंकल, भाई साहब मेरा गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, भाई साहब क्या यार, सिर फूटा भाई, खून निकल रहा है पूरा रोड, माय गॉड अंकल, शिट आपका। मैं लिटरली बता रहा हूँ इस पूरे ट्रिप में कितने सारे नई चीज़ें देख रहा हूँ भाई, मैं लाइव एक्सीडेंट, बॉडी पड़ी भी है रोड पे अंकल की, 2 एम्बुलेंस खड़े हैं, फक ब्रो, मेरा एक्सीडेंट याद आ रहा है। चलो मैं तो चलो भगवान के से मैं बच गया, बट चलो जय श्री राम के माता जी, सही सलामत पहुँचा देना। घाट सेक्शन शुरू हो गया मध्य प्रदेश का, पूरे ट्रिप में पहला घाट मिला है, देखते हैं कैसा रहेगा छोटा या बड़ा घाट, लेट्स एक्सप्लोर। ये भाई कभी भी गिर सकता है, इससे दूरी बना के रखना पड़ेगा, बिल्कुल इतना टाइट से भी नहीं बांध रखा है चीज़ें, क्या ये
मेरा फोन गिर गया। हाँ ये चीज़ है। ओए बंदर्स, हाय मंकीज, वेलकम टू भोपाल का ट्रैफिक। 15 किलोमीटर के लिए 47 मिनट्स दिखा रहा है भाई। भोपाल में भी ट्रैफिक होता है। रास्ते में मैंने कोई होटल ढूंढा, रूम मेरे को पसंद आया तो मैंने बुकिंग कर ली। अब चलते अंदर। ये 305 रूम मिला है। ये है रूम फैब होटल्स। ये मच्छर आएगा भाई, ये बंद करो यार। ये व्यू है भाई, मॉल वाला व्यू है, मॉल वाला। ये सामने मॉल है। दिस इज मॉल, दिस इज द रूम। सोने वाला हूँ। एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक होटल बुक कर रखा था सिटी के अंदर, पर मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं था सिटी के अंदर जाने के लिए, तो इसीलिए मैंने ऑन द वे ही देखा, थोड़ा एक्सप्लोर किया रुक के। मैं कहा चलो यहीं पे है मॉल एक, मतलब यहीं पे एक होटल है मॉल के पास, तो यहीं ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया यहीं पे आके। ये कोई नया शो आया नेटफ्लिक्स पे, द रेलवे मैन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984। भोपाल आके भोपाल की स्टोरी ना देखे, ऐसा हो सकता है क्या? भोपाल के आगे कोई बोल सकता है क्या? भोपाल। खाना ऑर्डर किया था तो सिर्फ स्टार्टर आया, मैंने लाइट बस वो जला रखा है। बहुत आलस आ रहा है, बहुत थका हुआ ना। खाना खा के सो जाऊंगा मैं, जब पूरा खाना आएगा दिखाऊंगा बस। फिर उसके बाद क्रैश लैंडिंग ऑन बेड, वेकिंग अप टुमारो आफ्टरनून, दैट्स इट। ये लो भाई आ गया खाना, रोटी, पनीर की सब्जी, सैलड।